नगर निकाय चुनाव 2022 राज्य के 224 नगर निकाय चुनाव को दो चरणों में कराए जाने के लिए आदेश जारी किए जाने के बावजूद अभी कई पेच दूर होना बाकी है। पटना हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस दिन सरकार की ओर से ईबीसी आयोग की रिपोर्ट की जानकारी दी जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार को जवाब देना है। हाई कोर्ट में गुरुवार को नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती की चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन चुनाव पर रोक लगाने को लेकर खंडपीठ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अब नगर निकाय की प्रशासक नियुक्ति किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली और डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण से संबंधित याचिका पर 6 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ में सुनवाई होगी। मालूम हो कि राज्य में 18 और 28 दिसंबर को दो चरणों में नगरपालिका चुनाव होना है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि संविधान के प्रावधान के अनुसार 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पहले नगर निकायों का चुनाव हर साल में कर लेना है। बिहार में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। कई नगर निकायों में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़े वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा देने पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट जो भी आई है उसमें कई नई बात नहीं की गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व के अधिसूचना के आधार पर ही चुनाव कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है।